मध्य प्रदेश भाजपा के तेज तर्रार प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि गुजरात चुनाव में ड्यूटी के दौरान लौटने के बाद अचानक सीने में तेज दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन इस दौरान उनका निधन हो गया। उमेश शर्मा का नाम इंदौर में शहर अध्यक्ष और महापौर के लिए भी आगे आ चुका था। वे दोनों पदों के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे थे। शर्मा का निधन उस वक्त हुआ जब सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर में ही थे। उमेश शर्मा के निधन के बाद राजनेताओं में शोक है। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमेश शर्मा के निधन के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रखर प्रवक्ता उमेश शर्मा के आकस्मिक निधन का हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये वज्रपात सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट। आज मन पीड़ा और तकलीफ से भरा हुआ है। मेरे परम मित्र भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, आदुतीय वक्ता और कुशल संगठक उमेश शर्मा जी आज हमें अचानक छोड़ के चले गए। उनके जाने से जो शून्य पैदा हुआ है उसको कोई भर नहीं सकता। वो भारतीय जनता पार्टी के काम का एक बड़ा आधार इंदौर में थे। मैं यहाँ से सीधे उनके दर्शन करने जा रहा हूँ।